For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss a video from Bollywood Spy. अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दोस्तों आप सब? मैं तो एकदम मजे में हूँ। अच्छा, रेस 3 जो कि रिलीज होने वाली है ईद 2018 में, सलमान खान की ये फिल्म है, रेमो डिसूजा इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। आज जो मैं खबर लाया हूँ वो इसी फिल्म से रिलेटेड है। जानना चाहते हैं तो वीडियो को आगे मत बढ़ाना। हाँ, तो खबर ये है दोस्तों कि सलमान खान इसमें एक एजी और एक क्लासिक लुक में दिखने वाले हैं। नंबर वन, सलमान खान अपने आप को लीन डाउन कर रहे हैं। नंबर टू, डायरेक्टर रेमो डिसूजा की ये जो फिल्म है इसमें हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स होंगे। इसमें जो भी सीन्स होंगे ना वो बहुत ज़्यादा क्लासी होंगे, मतलब एक्शन सीन्स, और उसके लिए जो बॉडी टाइप चाहिए वो एकदम लीन होनी चाहिए। सलमान खान अभी अभी जस्ट टाइगर से फुर्सत हुई है उनको, मतलब टाइगर जिंदा है से फुर्सत हुई है, जिसमें उनका लुक है थोड़ा सा बल्कि माचो मैन का है। मतलब वो एकदम हैंडसम तो लग रहे हैं लेकिन थोड़े से बल्कि लग रहे हैं और खूब सारी मसल्स उनकी डेवलप हुई है। रेस 3 के लिए सलमान खान एकदम लीन हो रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब सलमान खान आजकल जो है ना पूरी तरह अपनी डाइट में कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं। और ये बात एक खास खबरी ने बताई है मुझे अंदर से, मतलब मीडिया के अंदर से एक बात मुझे पता चली है, जिसमें उसने कंफर्म किया है कि यस, सलमान खान इज रिड्यूसिंग वेट, मतलब 7 से 8 किलो तक उन्हें घटाना है टू अचीव दैट काइंड ऑफ एजी एंड क्लासी लुक। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाईजान को इस लुक में देखने के लिए, क्योंकि हमने भाईजान को अलग अलग लुक्स में देखा है, चाहे वो सुल्तान का लुक हो, चाहे वो टाइगर जिंदा है का लुक हो, और अब आने वाली रेस 3 का लुक हो। आप मुझे बताइए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी एक्साइटमेंट बताइए। और ये भी बताइए कि रेस 3 से आपको कितनी उम्मीदें हैं। सिंपल सी बात है यार, ये जो होस्ट है ये आपका होस्ट है, चैनल भी आपका चैनल है, बॉलीवुड स्पाई। अरे हाँ, चैनल से याद आया दोस्तों, आपका जो प्यारा सा होस्ट है ना, इसका एक और चैनल आया है जिसका नाम है फिल्मी यारा। रिमेम्बर, फिल्मी यारा, जहां पर आप इस होस्ट को बहुत सारे टॉपिक पर बात करते हुए देख सकते हैं। आपको डेफिनेटली फुल ऑन एंटरटेनमेंट मिलेगा, तो एक बार विजिट जरूर कीजिएगा फिल्मी यारा।